देखिए ऑफर तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑफर नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। ऑफर बेसिकली लोग को बस लुभावना देना, और TCS का काम कभी भी लुभावना दे के अपनी ओर आकर्षित नहीं करना। हम अपनी क्वालिटी देते हैं और क्वालिटी के कारण स्टूडेंट हमारे पास आते हैं। कहने की बातें कि लैंग्वेज बहुत टफ है, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि आपने हिंदी बोलने का कहीं क्लास किया था? हाँ या ना? आपने नहीं किया होगा, क्योंकि आपने अपने आसपास की चीज़ों से ना, अपने आसपास के लोगों से इमिटेट करके सीखा, आपने अनुकरण करके सीखा है कि वो अगला कैसे बोल रहा है, कैसे बोल। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हवा रहा है हमारा, अभी तक 4700 से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ से सीटेट पास कर चुके हैं। नौकरी है पाना तो TCS ही आना, यह कर दिखाया है TCS के डायरेक्टर सौरभ झा ने। आखिर क्या है TCS, आइए इन्हीं से जानते हैं। और सरकारी नौकरियों में किस तरह से आजकल के जो नवयुवक हैं उन्हें नौकरी दिलवा रहे हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। सौरभ झा जी, क्या है आपका TCS और कब आपने की स्थापना की? बहुत बहुत नमस्कार और सभी बड़े साथियों को मेरा प्रणाम। TCS एडुसर्व की स्थापना वर्ष 2019 में हुई थी और बस कुछ ही महीनों में हमारे 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। और इस TCS की स्थापना के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण था, ये था कि जब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी, उस टाइम से जब तक मैंने पढ़ाई की, उस टाइम क्या क्या कमियां बच्चों में हो रही थी, इस कारण से बच्चे पिछड़ रहे थे, क्यों बच्चों के अंदर क्यूरोसिटी की मतलब लैकनेस हो रही थी, उन चीज़ों को हम भरने के लिए TCS की स्थापना की। कि मतलब बच्चों में वो लगन आए, बच्चे वापस से शिक्षा की ओर आए। जैसे जानते भी लोग कि बिहार जो है वो शिक्षा के लिए जाना जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी काबिलियत की बात करें तो बिहार के पास में है। तो उन चीज़ों को हमें वापस और बचा के रखना था, इसलिए TCS की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत आज सरकारी नौकरी की बात करें तो लगभग 8000 से अधिक विद्यार्थी यहाँ से सफलता पाकर अलग अलग क्षेत्रों में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जिसमें से सबसे अधिक विद्यार्थी हमारे यहाँ से बिहार में शिक्षक बने, जिनकी संख्या करीब करीब 4000 से अधिक है। ठीक है, और TCS का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही कि बच्चों के अंदर शिक्षा की अलग जगा देना है, बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा का भाव पैदा करना है, बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आना है कि हमें सरकारी नौकरी करके अपने जीवन को एक बहुत ही बढ़िया बढ़िया तरीके से, गर्मामय तरीके से जीना है। सर कहिए, PPSC के थ्रू जो है अभी शिक्षक बहाली चल रही है, TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ, TRE 3 का भी जो है वो सारी बातें हो रही हैं, रिजल्ट नहीं आया है, कैसे देख रहे हैं? आपने क्या क्या तैयारियां करवाई हैं और कितने बच्चे आपके जो है वो सेलेक्टेड हुए हैं TRE एग्जामिनेशन में, PPSC ने दिया है जो? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि TRE 1 और TRE 2 मिला के हमारे यहाँ से 2579 बच्चों का सिलेक्शन हो रखा है, और अभी TRE 3 का रिजल्ट आया नहीं है। कुछ महीनों से बातें चल रही हैं कि अब आएंगे, काफ़ी देर हो चुकी है, जबकि ये अपने समय से आ जाना चाहिए था। और जैसा कि हमारे संस्थान के हमारी पूरे फैकल्टी मेंबर और जो मैनेजमेंट मेंबर है, उनकी जो उम्मीदें हैं वो लगभग 900 प्लस रिजल्ट की TRE 3 में, मतलब 900 से अधिक बच्चे हमारे यहाँ से TRE 3 में रिजल्ट देने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ किसी भी बैच का जो है अनाउंसमेंट से पहले हमारे यहाँ बैच फुल हो जाते हैं, क्योंकि एक विश्वास मार्केट में इतना बना हुआ है TCS के प्रति लोग का, जो आज लगभग 18000 से ज़्यादा बच्चों को विगत 5 वर्षों में हमने पढ़ाया है। जो BPSC के थ्रू अभी फिर 4th भी होगी, TRE 3 4 होगा, उसमें आप लोग बच्चों को क्या ऑफर दे रहे हैं, किस तरह से उनकी जो पढ़ाई है, उनका जो सिलेबस है, उसको आप सामने ला रहे हैं? ठीक है, ऑफर तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑफर नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। ऑफर बेसिकली लोग को बस लुभावना देना, और TCS का काम कभी भी लुभावना दे के अपनी ओर आकर्षित नहीं करना। हम अपनी क्वालिटी देते हैं और क्वालिटी के कारण स्टूडेंट हमारे पास आते हैं। हमारा अगला सवाल ये भी था उसी में कि आपने क्या सिलेबस में किस किस चीज़ों को ऐड किया है, किस तरह से बच्चों की तैयारी करवाते हैं? देखिए, TRE 1 जब हुआ था उस समय तो कोई सिलेबस का कुछ वैसा एक फिक्स अंदाज़ा भी नहीं कोई लगा सकता था, लेकिन TRE 1, TRE 2, TRE 3 अब हो गया तो बहुत सारे पैटर्न मालूम चल गए कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और किस लेवल का क्वेश्चन हमें तैयारी करवाना होगा। ठीक है, तो उसके यदि आधार पर हम देखें तो TRE 4 के लिए हमारे पास बहुत सारे सिलेबस भी अपडेट हमने किए हैं, अपने फैकल्टी मेम्बर को भी उसमें लगाया है, और सब सब्जेक्ट के हमारे यहाँ कोर्सेज होंगे, जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके कोर्स हम कंप्लीट कराएंगे, जैसे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पोल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो में बोटनी, जूलॉजी, चाहे क्यों ना हो, मतलब इतने सब्जेक्ट पे हम लोग वर्क कर रहे हैं।
कहा जाता है कि जो लैंग्वेज होते हैं वो सबसे हार्ड सब्जेक्ट होता है। लैंग्वेज पर कमांड करना सबके बस की बात नहीं होती है। लैंग्वेज के जो हमारे यहाँ टीचर है वो सबसे कम मिलते हैं। फिजिक्स के मिल जाएंगे, मैथ के मिल जाएंगे, लेकिन लैंग्वेज जो प्रॉपरली ग्रामर होता है उसके उसके लिए आप लोगों ने क्या क्या तैयारियाँ की हैं? देखिए, कहने की बातें कि लैंग्वेज बहुत टफ है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि आपने हिंदी बोलने का कहीं क्लास किया था? हाँ या ना? आपने नहीं किया होगा, क्योंकि आपने अपने आसपास की चीज़ों से ना, अपने आसपास के लोगों से इमिटेट करके सीखा, आपने अनुकरण करके सीखा कि वो अगला कैसे बोल रहा है, कैसे बोल समझ रहा है। तो वही चीज़ है कि लैंग्वेज भी कोई बहुत टफ नहीं है, और हमारे पास तो लैंग्वेज के भी टीचर अवेलेबल हैं, और जब से हमने संस्थान की शुरुआत की तब से हमारे पास वही टीचर लैंग्वेज के अभी भी अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ इंग्लिश की जो लैंग्वेज है वो सबसे कम देखा जाता है। जो इंग्लिश के टीचर हैं उनकी सबसे कम ये संख्या देखी गई है, और इंग्लिश में जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं वो सबसे कमज़ोर पाए जाते हैं। तो ऐसे टीचरों को अगर आप देखेंगे, प्राथमिक हो चाहे हाई स्कूल हो मिडिल स्कूल हो, तो उसमें इंग्लिश के टीचर कम रहते हैं। उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, आपकी बात भी सही है कि हमारे स्टेट में इन सब चीज़ों की थोड़ी सी कमी है, लैंग्वेज टीचर की कमी है ओवरऑल देखा जाए तो। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना कि जो आने वाले बच्चों में इंटरेस्ट कैसे आए, वो चीज़ तो स्कूली शिक्षा ही उनको देगी कि आपको लैंग्वेज के भी टीचर आप बन सकते हो। होता क्या है ना कि हमारी सोसाइटी में है ना कि बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा से पहले उसके माँ बाप सोच लेते हैं कि बेटा को इंजीनियर बनाना है कि डॉक्टर बनाना है, बच्चे के ऊपर छोड़ते नहीं उन्हें बनना क्या है। और मैं ये कहता हूँ कि बच्चों को आप फ्री करिए, हो सकता है उसको लिटरेचर पढ़ने में मज़ा आए, हो सकता है उसको ऑथर बनने का मन हो सकता है उसको टीचर बनने का मन हो, टीचर भी सब्जेक्ट के बन सकते हैं। जैसे मेरे पापा की बात करें तो मेरे फादर इंग्लिश के टीचर हैं, तो उस वजह से क्या हुआ कि हम लोग जब दो भाई हैं हम दोनों, तो हम दोनों का बहुत बेहतर उस तरीके से इंग्लिश रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले सोसाइटी में चेंजेस लाने होंगे कि आप इंग्लिश पढ़ के या हिंदी पढ़ के या संस्कृत पढ़ के भी बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनना ही सब कुछ नहीं। हमारा यही सवाल था। और अब हमने देखा है आपने, तो आपने सी टैट एस टैट जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप लोगों ने क्या ये किया है, तैयारी की है? सी टैट के तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हर रहा है हमारा। अभी तक 4700 से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ से सी टैट पास कर चुके हैं, और अभी आने वाली 14 दिसंबर को फिर सी टैट का एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी चल रही है, सभी सेंटर पे हैं।